हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू रिचाज माना। आज मैं आपको चावल और उड़द दाल की इडली की रेसिपी देने वाली हूँ और बहुत ही टेस्टी लगती खाने में। हाँ, कुछ लोगों को परेशानी होती है इस बात से कि इसमें टाइम बहुत लगता है, झटपट नहीं बनकर तैयार होती है, पर सच मानिए तो इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। बस आपको चावल दाल को भिगो कर रखना है, पीस के इसको फर्मेंट कर देना है और इसको बना लेना है। थोड़ा सा टाइम जरूर लेती है बट फिर भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं चावल और उड़द दाल की इडली। चावल और उड़द दाल की इडली बनाने के लिए हमने 3 कटोरी चावल लिए हैं। ये नॉर्मल चावल हैं जो डेली हम घर में यूज़ करते हैं, और 1 कटोरी धुली उड़द की दाल ली है हमने। तो जो चावल लिए हैं वो कटोरी में फुल नहीं किए, इतने कम लिए हैं कटोरी से, इतना कम है तीनों में। और जो दाल ली है वो पूरी फुल करके ली है हमने कटोरी में। तो चावल इतने कम हैं दाल से। अब चावल और दाल को हम भिगोना शुरू करते हैं। तो 3 कटोरी चावल को हम एक बड़ी बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और ये दाल को भी हम इसके साथ ही भिगोएंगे। इसको अलग से भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा एक में ही भिगोकर बनाती हूँ और ये हमेशा अच्छी बनती है हमारी इडली। तो इसको हम 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरीके से धो के साफ कर लेंगे। ये दाल चावल हमने वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से 3 से 4 पानी से। अब इसमें हम फुल करके ऊपर तक पानी इसमें भर देंगे और ढक्कन लगा के इसको हम 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। 4 घंटे हो चुके हैं, हमारा दाल और चावल भीग चुका है। तो अब इसको एक मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं। ये दाल चावल मैं इतना ही इसमें डालूंगी, पूरा फुल नहीं करना है जार को, नहीं तो पिसने में मुश्किल होगी। इसमें अब हमें 1/2 ग्लास पानी डाल के इसे पीस लेना है। ज्यादा पानी स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। दाल और चावल मैंने एक साथ ही भिगोकर साथ में ही पीसे थे और फिर भी देखिए कितना अच्छा इसका पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। कई सारे लोग दाल को अलग और चावल को अलग भिगोते हैं और अलग अलग ही पीस के मिक्स करते हैं, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप खाना बनाने का तरीका इतना आसान रखिए कि उसको बनाने में कभी भी मुश्किल ना हो। फिर भी आप अगर चाहें तो आप इसको अलग अलग भिगोकर अलग अलग पीस के भी मिक्स कर सकते हैं। अब ये मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है क्योंकि इसी बर्तन में हम इडली का बैटर फर्मेंट करने को रखेंगे। अब ये जो चावल और दाल बचे हुए हैं इनको पहले वाले की तरह पीस लेना है, पर इनकी क्वांटिटी पहले वाले से थोड़ी कम है तो पानी कम यूज करेंगे। वन फोर्थ ग्लास पानी का यूज हम इसमें और करेंगे। पहले भी हमने 1/4 ग्लास पानी का यूज किया था जार में से पेस्ट निकालने के लिए। बर्तन बड़ा ही यूज करें क्योंकि जब ये फर्मेंट हो जाता है तो अगर बर्तन छोटा होगा तो सारा पेस्ट बाहर निकल आएगा। इसको ढक्कन लगाकर हम गर्मियों में 8 से 9 घंटे और सर्दियों में कम से कम 14 घंटे के लिए फर्मेंट होने रख देंगे। तो करीब 9 घंटे हो चुके हैं और हमारा इडली का बैटर फर्मेंट हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया फर्मेंट हुआ है। इसमें कुछ भी आपको इनो वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, इसी बैटर को आप यूज करके एकदम फ्लफी इडलीज बना सकते हैं। अब एक भगोना लेके हम इसमें 1 ग्लास पानी डालकर उबलने रखेंगे। ज्यादा पानी यूज नहीं करेंगे बॉयल करने के लिए, नहीं तो अगर वो इडलियों को टच करेगा तो इडलियां खराब हो सकती हैं। के सांचों में भी हम ऑयलिंग कर देंगे जिससे कि इडलीज चिपके नहीं, आसानी से निकल जाएं। तो घी या आप ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लीजिए। अब जितना आपको बैटर यूज करना है एक टाइम में उतना किसी बर्तन में अलग निकाल लीजिए। और जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर इसको मिक्स कर दिया और कुछ नहीं मिलाना इसमें। अब बैटर को जो हमने मोल्ड्स ग्रीस करके रखे थे उनमें हम फिल कर लेंगे और इनको एक के ऊपर एक सेट करके रख लेंगे। पानी हमारा उबलने लग गया है, इसमें हम सांचों को रखकर एक बड़ी थाली से ढक देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर रखकर 8 से 9 मिनट इसको स्टीम करेंगे। करीब 9 मिनट हो चुके हैं और एक बार हम अब इडली को चेक कर लेते हैं। साथ ही 9 मिनट के बीच में आप एक बार आके भगोने का पानी जरूर चेक कर लें और 1 ग्लास गर्म पानी भी साथ में रखें। अगर भगोने का पानी खत्म हो गया हो तो वो गर्म पानी भगोने में डाल दें, नहीं तो इसमें से जली हुई सी महक आ सकती है। तो इडली के अंदर से हमारे चाकू साफ निकल रही है, इसका मतलब इडली स्टीम हो चुकी है। गैस को बंद कर देंगे। अब ये मोल्ड्स को हम भगोने में से निकाल के बाहर कर देंगे और जितने मोल्ड्स इसमें होंगे इनको अलग अलग कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इनको ठंडा होने देंगे जिससे कि इडलीज आसानी से निकल सकें।
चाकू पर ऑयल लगाकर हम इडलियों को सांचों में से अलग कर लेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं अगर आप इसको 5-6 मिनट थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट उड़द दाल और चावल की इडली, और इसको आप सांभर के साथ, चटनी के साथ, किसी चीज़ के साथ भी ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।